कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पपीते का फेशियल, और जो कि मेरी पिछली वीडियो से काफ़ी डिफरेंट है। और इस फेशियल से आप अपने चेहरे को बिल्कुल निखार सकते हैं और पार्लर के जैसा निखार है अपने चेहरे पर पा सकते हैं। इसके लिए आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे अपने घर पर ही कर सकते हैं। और अगर आपको कहीं शादी या पार्टी में जाना है तो आप इस फेशियल को कर लीजिए और आपका जो चेहरा है वह बिल्कुल चमकने लगेगा, और जैसा एक फेशियल करवाते हैं उससे भी ज़्यादा निखार आपके चेहरे पर आएगा। और यह जो फेशियल है वो नेचुरल है, और इससे आप अपने चेहरे को बहुत ही ज़्यादा निखार दे सकते हैं, और जैसा निखार आप चाहते हैं वैसा आपको निखार मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हम इस फेशियल के अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट है जो कि यूज़ करेंगे, और कितनी अमाउंट के अंदर इसको किस चीज़ के अंदर कितना मिलाना है, और उसके बाद अपने चेहरे के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले लूँगी मैं पपीता, क्योंकि यह पपीते का फेशियल है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार, सॉरी आप क्वांटिटी, जैसे कि अगर आपको ये फेशियल अपनी नेक पे या फिर हाथों के ऊपर भी अप्लाई करना है तो आप इसकी क्वांटिटी है जो कि थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिए। और मैं इसको फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी, तो देख सकते हो आप मैंने इतना सा लिया है, और इसको आप अच्छे से मैश कर लीजिए ताकि ये आपके फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो सके। और आप इसको हाथ के साथ भी है जो कि मैश कर सकते हैं। देखो यह पका, इसके लिए आपको पका पपीता चाहिए, क्योंकि क्या है कि ये पपीता हमारे फेस के ऊपर अच्छे से अप्लाई हो जाएगा, और अच्छे न्यूट्रिशन है जो कि इसके अंदर वो हमारी स्किन को प्रोवाइड हो जाएंगे। जैसे कि आपको पता ही है कि पपीते के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं और न्यूट्रिशन होते हैं, और इसके अंदर जो विटामिन्स होते हैं वह सी ई ए है जो कि भरपूर अमाउंट के अंदर होते हैं। और अगर हम इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे तो जो न्यूट्रिशन इसके अंदर है वो हमारी स्किन को भी मिलेंगे, और हमारी जो स्किन है वो हेल्दी हो जाएगी, और जो भी हमें स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो उनसे हमें छुटकारा मिल जाएगा। और मेरा जो ये है अच्छे से मैश हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो ये करीब एक चम्मच के करीब है, और मेरे फेस के लिए इतना सफिशियंट है। तो चलिए अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट की बात करते हैं, और जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है एलोवेरा जेल। और एलोवेरा जेल है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं, और मैंने जैसे कि पतंजलि का लिया हुआ है, और इसके अंदर मैं ये डालूँगी हाफ चम्मच। जैसे कि आपको पता ही है कि जो एलोवेरा होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, और जब ये इंग्रेडिएंट फेशियल इसके अंदर जैसे कि ऐड कर रही हूँ मैं, इसकी जो प्रॉपर्टी है वह बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले पपीते की जो प्रॉपर्टी थी अब एलोवेरा मैंने इसके अंदर ऐड किया है, तो जो एलोवेरा की प्रॉपर्टी है वो भी इसके साथ ऐड हो चुकी है। और अब मैं नेक्स्ट इंग्रेडिएंट लूँगी शहद। शहद का तो आपको पता ही है कि हमारे फेस के लिए यह बहुत ही अच्छा होता है, और हमारी जो स्किन होती है उसको यह टाइट करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और इसकी भी थोड़ी सी अमाउंट लेनी है, जैसे आप देख सकते हैं ये हाफ चम्मच के करीब है। और जो मेरा लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है मेरा लेमन। जैसे आप देख सकते हैं लेमन एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, और इसको अप्लाई करने से जो मेरी स्किन है, और या फिर आपको ऑयल की प्रॉब्लम है जैसे कि ऑयल ज़्यादा रिड्यूस होता है, तो उसको भी यह है कम करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और जो कि हमारे फेस के ऊपर होने वाले जैसे कि मुहासे की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको रिड्यूस करने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। और मैं इसके अंदर लेमन है जो कि वो हाफ लूँगी, आप थोड़ा सा ही लेमन ले लीजिए, ज़्यादा भी मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है कि यह काफ़ी के फेस के ऊपर क्या रिएक्शन कर देता है, क्योंकि यह एक एसिड है इसके अंदर है जो कि सिट्रिक एसिड होता है, तो काफ़ी की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और उनको ये मतलब कह सकते हैं कि उनकी स्किन को है जो कि सूट नहीं करता, तो इसलिए आप इसको चाहे स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको ये सूट नहीं कर रहा। और जैसे आप देख सकते हैं कि मेरा जो पैक है वह अच्छे से तैयार हो चुका है, और ये मेरा फेशियल अच्छे से बनकर प्रिपेयर हो चुका है, और अब मैं इसको अपने फेस के ऊपर अप्लाई करूँगी।
तो गाइस देखो, मैंने अपने फेस के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं अब रिलैक्स होके बैठ जाऊंगी। 15 मिनट तक आपको अपने फेस को ऐसे ही रखना है और उसके बाद अपने चेहरे को आप प्लेन वाटर से है जो कि वॉश कर लीजिए। तो गाइज़ मैंने अपने चेहरे को है जो कि प्लेन वाटर से क्लीन कर लिया है और जैसे आप देख सकते हैं कि मुझे अपना चेहरा बिल्कुल सॉफ्ट लग रहा है और काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा है मुझे। और आप भी इन छोटे छोटे सी नेचुरल तरीके से अपने चेहरे को है जो कि नेचुरल तरीके से ग्लो कर सकते हैं और अपने फेस को है जो कि हेल्दी रख सकते हैं और जो भी आपको ये छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे अपने फेस को छुटकारा दिला सकते हैं। और जैसे कि मैं नेचुरल तरीके से फेशियल करती हूँ और अपने चेहरे को हेल्दी रखती हूँ, तो आप भी इसी तरीके से अपने चेहरे को हेल्दी रखने के लिए नेचुरल तरीके से है जो कि फेस पैक अपनाइए और अपने चेहरे को है जो कि ग्लो कर अपने चेहरे को ग्लो करिए और हेल्दी रखिए अपनी त्वचा को। और जो मैंने आज आपको पपीते का जो फेशियल बताया है वह बहुत अच्छा फेशियल है और उसे कोई भी हमारी स्किन को है जो कि हार्म नहीं होती और हमारी जो स्किन होती है वो हेल्दी होती है और ग्लो करती है। आप भी इन छोटे छोटे तरीकों से अपने चेहरे को है जो हेल्दी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।